Today I am trying to solve the review questions of chapter number 4. First of all, I solved the multiple choice questions. Maybe most of the students have already solved this and maybe most of the students did not. So those who solved it, they can check, and those who did not solve them, they can solve it. Okay, there is a question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स वो पूछ रहे हैं कि नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में. इन ऑप्शंस में एक के ऊपर टिक करना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, क्या मतलब इनमें डिफरेंस है. तो इसका आंसर बी है. बी वाला जो है इसमें कहा हुआ है कि सेल इज पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक की होती हैं. बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों में प्रेजेंट होती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं. इसका आंसर है 1000. ठीक है, 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं और 1 माइक्रोमीटर के अंदर 1000 नैनोमीटर होते हैं. नैनोमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसमें क्या नहीं होता. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जस्ट हाइड्रेटरी मटेरियल नहीं होता, बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं. हाइड्रेटरी मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता. तो डीएनए जो है वो नहीं होता, बाकी ये सारी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेल वॉल्स जो हैं वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है. तो प्लांट्स में होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, और फंजाई में ये काइटिन की होती है. एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का क्या है. प्लांट की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो सेलुलोज है. ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्लाइकेन जो है बैक्टीरिया में होती है, काइटन फंजाई में होती है. ठीक है, नेक्स्ट और कोलेस्ट्रॉल जो होती है ये एनिमल्स के सेल्स में प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता. तो प्लांट के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होता है जो कि एनिमल्स के सेल्स में नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और सेल वॉल जो होते हैं इनकी सेलुलोज की बनी होती है. क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोजर स्ट्रक्चर.